आज की वीडियो में आपको हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है, तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज के नंबर 9 की मूवी से, जिसका नाम है स्टो अवे। ये 2021 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जिन्हें एक स्पेस मिशन के चलते मंगल प्लेनेट के ऊपर भेजा जाता है, ताकि यहाँ पे जाके ये लोग रिसर्च वगैरह कर सके। अब ऐसे में इस मिशन के अंदर सिर्फ 3 लोग है, ताकि ये लोग अपने मिशन को ज्यादा से ज्यादा दिनों तक पूरा कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब बीच रास्ते में जाने के बाद इनके शिप के अंदर एक अनजान आदमी आ जाता है। वो आखिर ये आदमी कौन है, कहां से आया, और इस आदमी के आने की वजह से इन लोगों के मिशन के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको स्पेस एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है, देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है बेकी। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है बेकी नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नए अपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे जाके ये लोग अपने वेकेशन को आराम से एंजॉय कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहाँ पे जाने के बाद अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग बेकी के घर के अंदर आ जाते हैं और उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन किसी तरह बेकी वहाँ से बच निकलती है। अब भले ही बेकी यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन अगर उसने किसी को भी इन लोगों के बारे में बताया, तो ये लोग बेकी के पेरेंट्स को जान से मार देंगे। यानी कि बेकी को ही किसी भी हालत में अपने पेरेंट्स को बचाना होगा। तो इससे आगे मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है और आखिर बेकी क्या कुछ करने वाली है, वही सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब एक छोटी सी 15 साल की लड़की इन लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनती है, वो सब आप इस मूवी को देख के जानो। तो नंबर 7 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एक्शन कॉमेडी मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है राइडर ऑफ जस्टिस। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मार्कस नाम के एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर की, जिसकी वाइफ की एक ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर मौत हो जाती है। अब ऐसे में मार्कस अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और उसके मौत के बाद वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इसी बीच मार्कस को पता चलता है कि उसकी वाइफ की जिस एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई थी, असल में वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वो एक बॉम्ब ब्लास्ट, यानी कि वो एक सोची समझी साजिश थी। अब इसके बाद मार्कस 2 लोगों के साथ मिलकर निकल जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए, जिन्होंने वो ट्रेन एक्सीडेंट करवाया था, ताकि वो उन्हें ढूंढ के अपनी वाइफ की मौत का बदला ले सके। तो आखिर क्या वो उन्हें ढूंढ पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको कमाल के एक्शन के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 6 पे आपको एक सर्वाइवल मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है फ्रोजन। ये 2016 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ दोस्तों की, जो कि एक बर्फीली जगह के ऊपर अपने वेकेशन को मनाने के लिए जाते हैं। अब इस जगह के ऊपर रात में जिपलाइन का यूज करना बिल्कुल मना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग रात में जिपलाइन का यूज करके निकल जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया, जब बीच रास्ते में जाने के बाद इनकी जिपलाइन अचानक से बीच में ही अटक जाती है लाइट कट होने की वजह से, और अब आने वाले 7 दिनों तक यहाँ पे लाइट नहीं आने वाली, यानी कि 7 दिनों तक इन्हें यहाँ पे बिना खाना और पानी के सर्वाइव करना पड़ेगा। और अगर इन्होंने नीचे उतरने की कोशिश करी, तो नीचे जंगली भेड़िए जो कि इन लोगों को कच्चा चबा जाएंगे। तो वैसे में ये लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, और आखिर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी की स्टोरी सुनने में आपको इतनी कुछ अच्छी न लगे, लेकिन मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है माइल 22। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जेम्स नाम के एक एजेंट की, जिसे एक मिशन दिया जाता है एक बहुत ही खतरनाक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचाने का। अब असल में ये आदमी एक बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम किया करता था, और अभी इसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आने वाली बहुत बड़ी तबाही को रोका जा सकता है। अब इसी वजह से इस आदमी को सेफली एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर पहुंचाने का काम जेम्स को दिया जाता है। अब ऐसे में जेम्स अपने इस काम को पूरा करने के लिए उस आदमी को लेकर निकल जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया, जब इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। और ऐसे में ये लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं है, ये हाईली ट्रेन असैसिन है, जिन्हें उस आदमी को मारने
मुआवजे के लिए भेजा गया ताकि वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो ऐसे में जेम्स अपने आप को और अपने विक्टिम को उन लोगों से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर भी आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एक्सटिनेशन। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ के, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और इस ज़ॉम्बी वायरस की वजह से दुनिया की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। और इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की जो कि इन्हीं सारे ज़ॉम्बीज के बीच में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। और अब इनके पास ना तो ज्यादा खाना है ना ही पानी, और अगर ये लोग बाहर खाना और पानी लेने के लिए गए तो ज़ॉम्बी इनके ऊपर अटैक कर देंगे। तो वैसे में ये लोग आगे कैसे सर्वाइव करते हैं और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको ज़ॉम्बी वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई करना। तो नंबर 3 पे आपको एक एनिमेटेड मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है द सुपर मारियो। ये 2023 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मारियो ब्रदर्स की जो कि एक दिन अचानक से एक दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। वैसे में मारियो जो कि एक मशरूम वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका है और उसका भाई लुइजी एक ऐसी दुनिया के अंदर गया है जहां पे एक बहुत ही खतरनाक शैतान है जो कि बहुत ही जल्दी मशरूम वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने वाला है। वैसे में मारियो को किसी भी हालत में मशरूम वर्ल्ड को बचाना होगा और अपने भाई को भी बचाना होगा। तो आखिर क्या वो अपने मशरूम वर्ल्ड और अपने भाई को बचा पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको इस तरह की एनिमेटेड एडवेंचर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी बहुत ज्यादा कमाल की है। और अगर आपने बचपन में मारियो गेम खेला है तो ये मूवी आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी काफी कमाल की है जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है हिटमैन एजेंट 47। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 47 नाम के एक क्लोन की जिसे बहुत बड़े बड़े मिशन पूरे करने के लिए बनाया गया है। 47 एक बहुत ही पावरफुल क्लोन है यानी कि एक AI रोबोट जो कि इंसानों से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है और 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट भी, जिससे कि ये बड़े से बड़े मिशन को बहुत ही आराम से पूरा कर सकता है। अब इसी बीच 47 को एक बहुत बड़ा मिशन दिया जाता है एक लड़की को ढूंढ के उसे बचाने का, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए, जिसके बाद 47 निकल जाता है उस लड़की को ढूंढ के उसे बचाने के लिए। तो आखिर क्या वो उसे बचा पाएगा और आखिर उस लड़की को कौन और क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको इससे भी काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिले तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है प्रोमीथियस। ये 2016 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की साईफाई हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की जिन्हें लाइफ की तलाश में एक नए प्लेनेट के ऊपर भेजा जाता है। अब ऐसे में ये लोग इस प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद रिसर्च वगैरह भी करने लग जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद उन लोगों के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। तो आखिर इस प्लेनेट के ऊपर ऐसा तो क्या है और आखिर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी सच में काफी कमाल की है। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना। तो मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।